क्वेश्चन नंबर थ्री, पी एंड क्यू आर पॉजिटिव प्राइम नंबर, ये बोल रहा है आपसे पी और क्यू अगर क्या है के पास पॉजिटिव प्राइम नंबर हैं, देन प्रूफ दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल नंबर। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो रूट पी प्लस रूट क्यू है ये कैसा है के पास एक इरेशनल नंबर है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है आपको, तो आप क्या करोगे इसको जस्ट उल्टा मान लोगे, ठीक है ना। इरेशनल का उल्टा क्या होता है रेशनल, तो आप क्या कर लोगे सपोज कर लोगे रूट पी प्लस रूट क्यू कैसे आपके पास एक रेशनल नंबर है। तो देखो वही करा आपने, सबसे पहले वही करा, सपोज करा आपने, क्या सपोज करा आपने रूट पी प्लस रूट क्यू इस रे, है ना, ये कैसा आपके पास एक रेशनल नंबर है, कैसा आपके पास एक रेशनल नंबर है। तो देखो क्या हो जाएगा पास रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल टू रेशनल नंबर, किसे बोलते थे हम लोग, जिसे अपन p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। देखो इधर मैं यहाँ पर p और q यूज में नहीं ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही p और q दे रखे हैं आपके पास, इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ a और b यूज में ले रहा हूँ। तो आप बोल रहे हो जिसको अपन क्या बोल सकते हैं a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम, यहाँ पर क्या है a और b क्या है के पास को प्राइम है एंड q is not equal to zero, क्योंकि वैल्यू क्या होगी कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से रूट पी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो इस रूट क्यू को क्या कर दूंगा इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो रूट पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a अपॉन b माइनस रूट क्यू, ठीक है ना। मेरे को यहाँ से क्या करना है इस रूट का साइन हटाना है, तो इसलिए क्या कर लूंगा दोनों तरफ स्क्वायर ले लूंगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइन, क्या करा अपन ने टेकिंग स्क्वायर बोथ साइन, दोनों तरफ क्या ले लिया अपन ने स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो जैसे स्क्वायर लोगे तो ये कितना हो जाएगा रूट पी इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा a अपॉन b माइनस रूट क्यू इस पूरे का होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे रूट पी का होल स्क्वायर कितना हो गया p, यहाँ पर देखिए तो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये पूरी जो क्वांटिटी है ये पूरी वैल्यू क्या है आपके पास a है, और ये पूरी वैल्यू क्या है आपके पास b है, तो कौन सा फॉर्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होता है a का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना। इस आइडेंटिटी से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो देखो आपने वही लगाया क्या हो गया ये पास ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए, ए की वैल्यू कितनी है ए अपॉन बी, ठीक है ना, और बी की वैल्यू कितनी है के पास रूट क्यू। तो देखो ये कितना हो गया पास पी, ऐसे कैसे इसका स्क्वायर करा कितना हो गया ए का होल स्क्वायर अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस रूट क्यू का होल स्क्वायर कितना हो गया क्यू। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पास टू रूट क्यू, है ना, a अपॉन b, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ जो रूट वाले नंबर है इनको एक तरफ कर रहा हूँ और बाकी नंबर्स को एक तरफ कर देता हूँ, ठीक है ना। मतलब इरेशनल नंबर को आप लोग एक तरफ कर रहे हो और रेशनल नंबर को एक तरफ कर रहे हो। तो देखो जैसे आप शिफ्ट करोगे तो कितना हो जाएगा के पास, यहां कर लेते हैं हम लोग शिफ्ट, जब मैं इसको इधर लेके आया तो कितना हो गया पास टू रूट क्यू और a अपॉन b, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना है के पास a का होल स्क्वायर अपॉन b का होल स्क्वायर, है ना, प्लस q माइनस कितना आ जाएगा p हो जाएगा। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं वन लगाकर एलसीएम ले रहा हूं, देखो इधर कितना हो गया टू रूट क्यू a अपॉन b, ये तो ऐसे कैसे मैंने यहां पर एलसीएम लिया कितना आ गया b स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर का b स्क्वायर में डिवाइड लगाया वन, वन को इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा a स्क्वायर, वन का इसमें डिवाइड लगाया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर क्यू, वन का इसमें डिवाइड लगाया बी स्क्वायर को पी से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर पी हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूँ जो रूट का नंबर है उसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो रूट क्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है ना। जब आप रूट क्यू की वैल्यू निकालोगे तो ये जो बी है ये चल जाएगा ऊपर और जो टू ए वो आ जाएगा नीचे, मतलब बी तो चल जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर और टू ए क्या आ जाएगा डिवाइड के अंदर, ये कितना रहेगा b अपॉन टू ए और ये नंबर आपका एज इट इज a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर q माइनस b स्क्वायर p अपॉन b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो गया b से क्या हो गया एक b कैंसिल हो गया, तो रूट क्यू आपका एज इट इज ये कितना है वन, वन को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर q माइनस b स्क्वायर p अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा टू ए बी। अगर हम देखें यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी कैसी आ रही है आपके पास,
ठीक है ना, रेशनल आ रही है। क्यों? क्योंकि ए और बी क्या था आपके पास, इंटीजर्स थे, ठीक है ना। तो आप क्या बोल सकते हो, ये कैसा आपके पास, एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है आपके पास, एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। देखो अगर ये नंबर रेशनल हुआ, ठीक है ना, तो रूट क्यू भी क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हो गया भाई। रूट क्यू इसके इक्वल है, तो रूट क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेशनल नंबर, ठीक है ना। देखो यार, हम दोबारा बता रहा हूं कि ये क्या आपके पास, रेशनल नंबर है, तो रूट क्यू क्या हुआ, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। मगर हम जानते हैं कि जो रूट क्यू होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि क्यू क्या आपके पास, एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। जब भी आप प्राइम नंबर का रूट निकालते हो तो वो हमेशा क्या आता है, एक इरेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। देखो दोबारा बोल रहा हूं इस बात को, ये कैसी वैल्यू है आपके पास, रेशनल है, ये रेशनल है, तो रूट क्यू क्या हुआ, रेशनल हुआ, ठीक है ना। बट हम क्या जानते हैं कि जो रूट क्यू है वो क्या है के पास, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो हम क्या बोल देंगे, जो हमने माना है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। देखो जरा लिखते हैं इसी चीज को। तो आपने क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी अपॉन टू ए बी इस रेशनल, ये कैसे आपके पास, एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। सो रूट क्यू इस, है ना, रूट क्यू क्या हो गया आपके पास, रेशनल हो गया। कैसा हो गया, रेशनल हो गया, ठीक है ना। रूट क्यू किसके इक्वल हो गया, रेशनल नंबर के इक्वल हो गया, ठीक है ना। बट वी नो दैट रूट क्यू इज इरेशनल। रूट क्यू कैसा होता है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि क्यू क्या है के पास, एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। जब भी आप प्राइम नंबर का रूट लेते हो, ठीक है ना, तो वो हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि रूट क्यू कैसा है, रेशनल नंबर है, और हम क्या जानते हैं, रूट क्यू कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो अवर अजम्पशन, जो हमने माना है वो क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। इसलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, अजम्पशन इज रॉन्ग, ये क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। इसलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग कि जो हैंस रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल नंबर। क्या लिख देंगे हम लोग, हैंस रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल नंबर। ये कैसे आपके पास, एक इरेशनल नंबर, ओके।